सेव सेव किया किया था था ना मैं सिर्फ इसलिए गया क्योंकि उसने मुझे कॉल दैट्स इट इट बट तो फॉर समवन एल्स जिंदगी में सेव करना जरूरी है मगर जब बात पैसों की हो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली नमस्कार डॉक्टर में आपका स्वागत है बिहार में कास्ट सर्वे और मणिपुर में हिंसा से लेकर न्यूज क्लिक से जुड़े केस और क्रिकेट तक पिछले हफ्ते आपने हमें ढेर सारे मुद्दों पर ढेर सारे सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम आपके ऐसे ही सवालों पर एक बार फिर चर्चा करेंगे हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता स्वागत है आपका शेखर धन्यवाद अपूर्वा और ऐसा हफ्ता तो होता नहीं जब न्यूज ना हो बड़ी और अब तो एशियन गेम्स भी चलते रहे इस हफ्ते और क्रिकेट वर्ल्ड कप भी शुरू हो गया तो अब कितनी टीवी स्क्रीन देखो और कहाँ फॉलो करो जी शेखर और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है कि मैं एशियन गेम्स देखूँ या मैं क्रिकेट क्रिकेट देखू या मैं, मैं राजनीति की खबर देखू क्योंकि अभी संजय सिंह का अरेस्ट भी हुआ जी, जी। आम आदमी पार्टी के जो एम पी हैं और भी बहुत चीजें हुई प्रधानमंत्री भी जगह जगह जग, जग, जाके बोल रहे हैं बिहार में कास्त सर सब कुछ हो गया एक ही हफ्ते में तो मतलब जैसे कहते हैं के, आ, कहा था ना अंग्रेज़ ने किसी ने कि वीक इज़ ए लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स तो ये <laughs> वो ऐसा वीक है पॉलिटिक्स नहीं पॉलिटिक्स भी स्पोर्ट भी जो पॉलिटिक्स में वीक हफ़्ता लंबा टाइम होगा लेकिन हफ़्ता जो न्यूज साइकिल है उसमें उससे भी लंबा पिछले हफ्ते के वीडियो पे कई दर्शकों ने नाराजगी जताई थी कि हमने एशियन गेम्स के बारे में बात नहीं की तो इस बार इस एपिसोड में हम ध्यान रखेंगे कि हम तो उसके मैं बता देता हूँ क्यों नहीं बात की थी क्योंकि तब बहुत जल्दी एशियन गेम्स शुरू होने के तो पहले कुछ बार ये इंसान को थोड़ा वो भी होता है जैसे कहते हैं सुपरस्टिशन अंधविश्वास कि कहीं ऐसा ना हो किसी को नज़र लग जाए <laughs> है ना जी, तो शुरू में शूटिंग वगैरह में हमारे मेडल आए थे तो अब ठीक है अब मैं कहूँगा ये ठीक ठाक ही एशियन गेम्स रहा इस बार मेडल टैली हमारी हमेशा से बड़ी है वो अच्छी बात है सो भी शायद पार हो जाए वो भी अच्छी बात है थोड़ा सा उसमें रियलिटी चेक ये है कि हर एशियन गेम्स के साथ इवेंट्स बढ़ जाते हैं जी। तो जो मेडल का जो बेस होता है वो बढ़ जाता है तो पिछली बार मान लीजिए कि 400 सौ मुझे एग्जैक्टली exactly नंबर नहीं एकदम ध्यान मान लीजिए 400 गोल्ड मेडल थे इस टाइम चार गोल्ड मेडल तो वो भी बढ़ता जाता है लेकिन उसके अंदर आप देखें खास करके जो मुझे प्रसन्नता है वो ये है कि ट्रैक एंड फील्ड क्योंकि जो ट्रैक एंड फील्ड होता है दौड़ भाग फेंकना उछलना कूदना जंप्स स्प्रिंट्स मिडिल डिस्टेंस रनिंग लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग थ्रोज जैवलिन थ्रो में देखिए मेरा गोल्ड और सिल्वर आया ये इस सब को कहते हैं कि ये मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट है जी तो इसमें जब भारत बेहतर करता है तो लगता है कि कुछ तरक्की हो रही है कुछ कुछ उसमें डिसअपॉइंटमेंट भी रही जैसे कि अब हॉकी की टीम हमारी महिला टीम हार गई सेमीफाइनल में जी। और वो भी चीन से हार गई हारी भी चार गोल से कई बार कोई हावी हो जाता है आपके ऊपर अगर दस मैच होंगे भारत के और चीन के तो उनमें से आठ कम से कम भारत की टीम जीतेगी क्योंकि भारत की टीम ओलंपिक में नंबर चार चार आई हुई है महिलाओं की टीम लेकिन कॉम्पनसेशन भी है कि पुरुषों की टीम ने बड़ी आसानी से पाँच एक के साथ रौंदा जापान को फाइनल में और ना सिर्फ एशियन चैंपियन बने एशियन गेम्स चैंपियन लेकिन ओलंपिक का टिकट भी पक्का कर लिया अब क्वालिफिकेशन का जो एक टेंशन होती थी कि इस बार क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं जो हर साल हर बार पाकिस्तान को होती है तो वो, वो नहीं करनी पड़ेगी तो स्पोर्ट ऐसे ही है Uh, किसी के लिए अच्छा जाता है किसी के लिए बुरा जाता है और अब उसका बैलेंस देखते हैं जी इस बार अगर हम देखें तो हमारी जो बॉक्सिंग है जो हमारे बहुत मेडल आते थे बॉक्सिंग रेसलिंग, दोनों काफ़ी ढीले रहे हैं और जो एक चिंता का विषय है जी चलिए शेखर सवालों से शुरुआत करते हैं आदित्य हमारे मेंबर हैं पूछ रहे हैं कि जाति जनगणना के बाद बिहार में जो हुआ है उसे देखने के बाद क्या आपको लगता है कि 2024 में सत्ता में वापस आने पर भाजपा को अपने सत्तारूढ़ राज्यों में या ऑल इंडिया लेवल पर भी ऐसा करने का टेम्पटेशन हो सकता है क्या इस कास्ट सर्वे की राजनीति का देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग असर होगा देखिए असर तो होगा क्योंकि एक आइडिया है जिसको कि अब बहुत मुश्किल हो मुश्किल होगा किसी भी पार्टी को और किसी को भी सरकार को उसको लागू ना करने का और कोई बहाना भी नहीं रहेगा लेकिन ये तो बात होगी और बीजेपी इसमें देख, देख लीजिएगा बीजेपी बहुत फ्लीट फुटेड है वो जैसे आप क्योंकि स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं आप देखिए जैसे टेबल टेनिस में खेलते हैं ना सबसे फ्लीट फुटेड वही होते हैं छोटी सी जगह होती है इधर इधर आगे पीछे दाए बाएं सब घूमते रहते हैं तो बीजेपी में वो फ्लीट फुटेडनेस है राजनीति के ऊपर तो वो देखेंगे कि ये एक मुद्दा अपोजिशन को मिला है इसका हम कह क्योंकि वो भी वही शुरू कर देंगे जी. तो फिर आपके पास बाइनरी क्या रहेगी हुँ. लेकिन उसके बाद में ये नहीं और ये मेरा आज का नेशनल इंटरेस्ट भी है जो आप पढ़िएगा इंग्लिश में और अब मैंने एक नई चीज़ शुरू की मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा मेरे लिए काम बढ़ जाता है पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट को भी मैं हिंदी का जो वर्षन है वो भी वीडियो पे आपको दो वीडियो और पॉडकास्ट में ताकि आप उसको भी देख पाएँ तो पिछले हफ़्ते मैंने किया था उससे पहले हफ्ते का इस हफ्ते फिर कोशिश करूँगा अगर समय मिला आ, तो फिर और ये जो आज किया है मैंने बिहार के ऊपर वो भी वो भी मैं कोशिश करूँगा आपको हिंदी में दिखाने की लेकिन ये कोई इतना बड़ा धाकड़ किलर पोलिटिकल आइडिया नहीं है कि इससे राजनीति बदल जाएगी आ, के बिल्कुल मंदर म, म, मंडल वर्सेस का मंडल हो जाएगा ये उन्नीस नहीं है उन्नीस के बाद अब पैंतीस साल के करीब हो चुके हैं जब से ये आइडियाज़ आए हैं तब से करीब 40 साल हो चुके हैं जो काशीराम का आइडिया उस समय आया था जिसकी जिसकी संख्या जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वो सब आइडिया से भारत अब आगे चला गया है तो पोलिटिकली मैं नहीं समझता इससे बहुत होगा लेकिन ये लेकिन ये थोड़ा डिसरप्टिव तो रहेगा और बीजेपी भी इसमें रिस्पॉन्ड करेगी क्योंकि आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं ठीक है वो ओबीसी हैं करेक्ट बात है लेकिन आ, अगर आप मुख्यमंत्री देखें बीजेपी के तो इतने मुख्यमंत्री हैं उनमें सिर्फ एक ही ओबीसी है वो शिव शिवराज सिंह चौहान हैं इस समय और वो भी इस टाइम मैं कहूँगा कि वो थोड़ा गुड बुक्स में नहीं नहीं लगते जी। तो कांग्रेस के चार चीफ मिनिस्टर हैं इस समय उनमें से तीन ओ हैं तो ये बदलाव तो आ चुका ही है और मुझे लगता है कि बीजेपी भी इसको फिर से अब रिस्पॉन्ड करेगी अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है इनका यूजर नेम है कोकम पूछ रहे हैं कि आजकल विपक्ष जातिवादी जनगणना का सेंसस के पीछे पड़ा है ये समझ आता है कि बीजेपी की हिंदुत्व वाले बड़े ग्रुप को वो तोड़ना चाहते हैं ताकि चुनाव जीत सके पर आपको नहीं लगता हमारे राजनेता सिर्फ सत्ता में आने के लिए समाज में दरार पैदा कर रहे हैं जिससे वो चुनाव तो जीत जाएंगे पर जनमानस में जो दरार पैदा होंगी वो समय के साथ सिर्फ गहरी होती जाएगी क्योंकि मुझे लगता है वो बोल रहे हैं कि जाति के डिवीजन का प्रभाव धर्म के डिवीजन से ज़्यादा घातक है आपकी क्या देखिए राजनीति में अब डिवीजन तो होती है क्योंकि डिवीजन के बिना राजनीति हो नहीं सकती तो एक बार मैंने मुलायम सिंह यादव जी से पूछा वॉक द टॉक के अंदर जी। कि आप लोग इतना जाति धर्म की बात क्यों करते हैं राजनीति में तो उन्होंने कहा कि राजनीति में से अगर आप जाति और धर्म आप निकाल दें तो राजनीति बहुत क्रूर हो जाएगी मतलब उनका मतलब था कि ये जो आइडेंटिटी की बात है ये जाति को एक स्मूदनेस देती है अच्छा उसकी जो धारा है उसको थोड़ा ब्लड करती है तो कभी आप सोचें आप कोई को धर्म के नाम पे डिवाइड करता है कोई जाति के नाम पे, जो धर्म के नाम पे करता है वो सोचता है कि जो जाति के नाम पे डिवाइड करता है वो सोचता है उल्टी बात उससे तो ये भारत की राजनीति उन्नीस से इसी तरह चल रही है उसमें एक ही बाइनरी मैंने पहले भी आपको बताया बाइनरी है कि क्या आप धर्म से उसको दोबारा जोड़ सकते हैं जिसको जाति ने बांटा और क्या और या आप जाति से उसको बांट सकते हैं जिसको धर्म ने जोड़ा जी. तो पहले 25 साल उन्नीस नवासी के बाद जाति जी. वाले जीते एक तरह से क्योंकि वो 25 साल करीब करीब उनके कोलिशंस के बीच में अटल अटल जी भी आए लेकिन हुँ. उनके साथ भी कई पार्टियां और तरह की थी जो जी. मिड मिडिल में थी आइडियोलॉजिकल मिडिल में 2014 से अब दूसरी साइड जीती है जो धर्म से बांटने वाली धर्म से पोलराइज बांटने वाला थोड़ा एक ज्यादा लोडेड लगता है पर पोलराइज करने वाली तो पोलराइजेशन तो राजनीति में होती ही है ये कह दिया मैंने उसके बाद मैं ये कहूँगा कि मुझे ये नहीं लगता कि हालांकि ये अब कास्ट बेस्ड सेंसस जनगणना सर्वे जिसे भी जिसे जो भी कह लें ये हुआ है लेकिन मुझे लगता नहीं कि सिर्फ इससे कोई चुनाव जीत सकता है अगला सवाल श्रीनिवास राव का हमारे हैं पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार द्वारा न्यूज क्लिक पर कार्रवाई करने के पीछे क्या मकसद है चीन के साथ अरबों डॉलर के ट्रेड डेफिसिट वाली सरकार एक समाचार पोर्टल को तथा कथित चीन समर्थक से निवेश करने पर दंडित कर रही है इस पर आपकी क्या राय है देखिए पहली बात तो ये, ये मोदी सरकार का एक्शन न्यूज क्लिक पर पहले ही शुरू हो गया था क्योंकि अब न्यूज क्लिक का अपना एक लेफ्ट का एजेंडा है अच्छा बुरा वो उस बात पे निर्भर करता है कि आप लेफ्ट के आप लेफ्ट में यकीन करते हैं राइट में यकीन करते हैं तो लेफ्ट का था और मोदी सरकार के बहुत क्रिटिक भी वहाँ पे थे और ये लगता था कि उनके पास काफ़ी पैसा है वो खर्च कर रहे हैं तो वो बात मोदी सरकार की आंखों में खटकती थी तो उनके ऊपर 2021 में भी कुछ रेड्स वगैरह हुई थी टैक्स के केसेस भी हुए थे जो कि चल रहे थे अभी क्या हुआ कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टोरी आई कुछ महीने पहले काफ़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन थी जिसमें कहा गया कि एक अमेरिका का टेक बिलियन है टेक्नोलॉजी में बहुत पैसे बनाए हैं उसने उसका नाम है नेविल रॉय सिंघम तो मैंने भी सोचा सिंघम ये कहाँ से आया सिंघम तो हमने फिल्म ही सुनी थी हुँ. तो ये सिंघम कहाँ से आया कि शायद ये इंडियन कोई हो इसके फैमिली में कोई या खुद पूरा ही इंडियन हो उसको हुँ. आप देखें भी अपने फोटो दिखाएंगे हम आपको स्क्रीन पर तो कई बार लगता नहीं कहाँ का है जरा तगड़ा लगता है कहाँ का है बाद में पता लगा कि वो सिंघम उसके फादर का है वो श्रीलंकन नाम है अच्छा तो श्रीलंकन इंसेस्ट्री भी है उसकी तो वो अमेरिकन है बहुत अमीर है बहुत पैसे बनाए हैं लेकिन बहुत लेफ्टिस्ट है बहुत लेफ्टिस्ट है और चीनी सरकार के और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत नज़दीक है तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि वो अपने बहुत पैसे दे रहा है अमेरिका में ईस्ट कोस्ट में थिंक टैंक्स को अ, मीडिया को वगैरह वगैरह बहुतों को दे रहा है ताकि चीन के टाइप का सिर्फ ये ना कहे कि प्रो चाइना लेकिन थोड़ा लेफ्ट का एजेंडा अपनी सरकार को क्वेश्चन करने का एजेंडा वो चलता रहे जी। और उसी स्टोरी में कहा गया कि उसने भारत में न्यूज क्लिक को भी पैसा दिया है और उसी स्टोरी में ये भी बताया गया कि न्यूज क्लिक ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पहले भी रेड और एक्शन हुआ था जी। तो जब ये नेविल रॉय सिंघम की स्टोरी आ गई न्यूयॉर्क टाइम्स में तब सरकार को एक और कारण मिल गया दोबारा से इसको करने का क्योंकि उन्होंने कहा अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है जो न्यूयॉर्क टाइम्स से वही है जो हमारे खिलाफ लिखता है सारा दिन हमारा क्रिटिक है हमारा आलोचक है और वही कह रहा है कि नेविल रॉय सिंगम ने यहाँ पैसे दिए तो अब देखिए काफी जो प्रोटेस्ट हुई है इसमें जो लेफ्ट की तरफ से लोगों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बुरा भला कहा है कि आपने ये आर्टिकल किया आपने आपकी वजह से सब कुछ हुआ हालांकि वैसे न्यूयॉर्क टाइम्स को तो लिबरल लिबरल माना जाता है जो लोग राइट वाले हैं तो उसको लेफ्टिस्ट भी बोल देते हैं तो ये एक पेचीदा मसला है अभी जब हमने 50 वर्ड एडिट के उसके ऊपर लिखा है 50 वर्ड एडिटोरियल जो हमारा जो होता है सिर्फ पचास शब्दों में हम कह देते हैं आपको 500 शब्द पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये यूनिक कॉन्सेप्ट है हमारी तो हमारा 50 वर्ड एडिट है वो आप देख लीजिए जब हम बात कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर थोड़ी देर वो बैठा रहेगा शेखर अगला सवाल स्वर्णिम राज का है हमारे सब्सक्राइबर हैं पहले तो बोल रहे हैं जैसे ही उन्होंने न्यूज़ क्लिक पर अनन्या भारद्वाज की फैक्चुअल रिपोर्टिंग देखी उन्होंने साल भर का सब्सक्रिप्शन ले लिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका अब बोल रहे हैं पहले ये भी बोल रहे हैं कि क्लियरली आपने एक बेहतरीन टीम और ऑर्गेनाइजेशन बनाया है उनका सवाल ये है कि भारत एस्केलेशन की सीढ़ी पर क्यों चढ़ रहा है जबकि कनाडा नहीं चढ़ रहा उस पर बोल रहे हैं इसके बजाय भारत इसराइल की तरह ये क्यों नहीं कह सकता कि हम बॉर्डर्स की परवाह किए बिना अपने दुश्मनों को मार गिराएंगे वो बोल रहे हैं इसके अलावा एक संबंधित रिलेटेड प्रश्न उनका ये है कि भारत ड्यूअल सिटीजनशिप की अनुमति क्यों नहीं देता देखिए आपका बहुत लंबा सवाल है पहले तो आपका बहुत धन्यवाद आपने बहुत अच्छी बातें कहीं अनन्या भी इसको देखेंगी सुनेंगी खुश होंगी हमारा हमारे रिपोर्टर्स को कभी ये नहीं कहा जाता कि आपकी जो स्टोरी में फैक्ट्स को आप उल्टा सीधा करो या उसमें कोई लाइन लो और हमारे रिपोर्टर को स्टोरी के अंदर कोई अपना अपनी ओपिनियन सबकी ओपिनियन होती है सब वोट देते हैं लेकिन ओपिनियन नहीं देते हैं अपूर्वा भी कवर करती हैं खास करके जुडिशरी जुडिश जुडिशरी से रिलेटेड इश्यूज हैं आप उनको भी पढ़िए बिल्कुल उसी तरह से क्लिनिकल रिपोर्टिंग करती हैं तो आपका बहुत धन्यवाद जहाँ तक बात है कैनेडा की अब देखिए कैनेडा ने जो भारत के साथ किया उन्होंने बहुत खड़े होकर भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाए अपनी पार्लियामेंट में जी। और उसके उसके बाद कुछ ऐसे किया बचकानी बात जैसे गली में लड़ाई हो गई आपकी पड़ोसी के लड़के से लड़ाई हो गई बच्चे से लड़ाई हो गई तो आपने कहा अरे अरे टीपू बिट्टू बिल्लू पप्पू सब आ जाओ लड़ाई हो रही है अपने अपने दोस्त बुला बुलाई तो ऐसे ही फिर शुरू किया ट्रूडो ने भी अरे अमेरिका आ जाओ अरे ऑस्ट्रेलिया आ जाओ अरे ब्रिटेन आ जाओ न्यूजीलैंड आ जाओ आप सब मेरे फाइव आइज पार्टनर्स को उन्होंने पार्लियामेंट में भी बोला और उसके बाद यूएन में भी बोला तीन चार बार बोला कि वी आर वर्किंग विद अवर एलायस तो सब एलाइज को गुसालिया बीच में जब गुसालिया तो सच्चाई ये है कि ये भारत में बहुत दिन से इस बात का दर्द है ये मैं कहूँगा कि 40 साल से इस बात बात का दर्द है पहली बार उन्नीस में इंदिरा गांधी ने पियर ट्रूडो जो कि जस्टिन ट्रूडो के पिता थे और तीन बार प्राइम मिनिस्टर रहे कनाडा के उनको कहा था कि अब तलविंदर सिंह परमार को एक्स्ट्रा डाइट कर दीजिए उसको यहाँ भेज दीजिए क्योंकि वो हमारे दो पुलिस वालों को मार के और भाग्य आपके यहाँ शरण लेके बैठा हुआ है तो वो पीए टूडो ने नहीं किया नहीं माने उसके बाद वही तलविंदर सिंह परमार किंग पिन बने जो कनिष्का एयर इंडिया फ्लाइट वन एट सेवन जम्बो जेट कोडाया गया बॉम्ब से टाइम बॉम्ब से उसके किंग पिन वही थे तो भारत में शुरू से ये एक, एक फीलिंग है कि जो एक एक्सट्रीम फोर्सेस होती हैं कैनेडा उनको रोकता नहीं है बल्कि उनको पनपने देता है जी। और वो इसलिए भी पनपने देता है क्योंकि उनमें से एक साइड का जो लिबरल पार्टी है उसका वोट बैंक है और वो वोट बैंक अब बढ़ता जा रहा है तो उसके लिए भारत में बहुत उसके और ये भारत में अक्रॉस द बोर्ड है अब देखिए देखेंगे कि ये जो नीति हुई है इसमें सब पार्टियां बीजेपी सरकार के साथ हैं किसी पार्टी ने नहीं कहा कि आपको ये नहीं करना चाहिए था अब देखिए आपको स्क्रीन पे हम दिखाएंगे ये शशि थरूर की ट्वीट है तो कुछ बात उन्होंने कुछ कुछ आ, आपके जैसे भी कही उन्होंने कहा कि आप हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हैं कि आपने बाहर जाके किसी की हत्या करी अगर करी हो तो आप वो बताइए ना सबसे बड़े चैंपियन इसमें कौन है चैंपियन तो अमरीका और इसराइल है पर जैसे आपने कहा इस समय दुनिया अलग तरह की है और इस दुनिया में कोई कहता नहीं कि हम जाके बाहर मारते हैं इसराइल भी अब नहीं कहता है लास्ट उन्होंने जो किया था ऐसा वो काफी साल पहले यू में किया था अब यू एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है और उस समय इसराइल का एल नहीं था भारत अभी पश्चिमी देशों के साथ अलायंस में है और उस तरीके से कनाडा भी कनाडा भी भारत का एल आई है तो उसमें इतना कहना छाती ठोक के ठीक नहीं है और दूसरी बात कि ये तो पहली बात हम कैसे प्रिज्यूम कर सकते हैं कि उसको भारत की एजेंसीज ने ही मरवाया है क्योंकि वहाँ तो बहुत झगड़े हैं आपस में उनके गैंग्स हैं ग्रुप्स हैं गुट हैं आप देखिए जैसे सिद्धू मूसेवाले का यह मर्डर हुआ या जहाँ पे खुश्तूल सिंह का कनाडा में हुआ वो भी एक गैंगस्टर था तो वहाँ पे ये सब बातें भी चलती रहती हैं और इनकी आपस की राइबलरीज भी होती हैं तो मैं भी अभी मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि इसको भारत ने ही या भारत की एजेंसीज ने ही मरवाया है तो अगर मैं इस बात से कन्विंस नहीं हूँ तो मैं तो नहीं कह सकता ना कि भारत छाती ठोक के बोले कि नहीं हमने मार दिया तो ये सारी पेचीदा बातें होती हैं लेकिन ट्रूडो इसको चुपचाप और तरीके से हैंडल कर सकते थे उन्होंने अब इसको इतना ज्यादा वो भी इलेक्शन के साल में इतना बड़ा इशू बना दिया और भारत के एक राजनयिक को ना सिर्फ वापस भेजा लेकिन उसका नाम लेके कह दिया कि वो रॉ का वहाँ पे हेड था तो जिसको कहते पेंटेड पेंटिंग पेंटिंग टारगेट ऑन सबीज बैक कि आपने उसका कवर ब्लो कर दिया अब भारत ने जिसको निकाला भारत ने ऑफिशियली उसका नाम नहीं दिया मैं आपको बता सकता हूं उसका नाम ओलिवर सिल्वेस्ट्रे है वो कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी का इंडिया में हेड था अच्छा। जिसको सीसिस बोलते हैं वो, कैनेडियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस तो उसको हमने यहाँ से निकाला और फिर ये कहा गया कि देखो हमारे तो वहां पर बीस बाईस राजनयिक है डिप्लोमेट्स हैं आपके यहाँ पे इतने ज़्यादा हैं तो पैरिटी क्यों नहीं है तो थोड़ा सा इसमें जिसको कहते हैं कि ब्लडी माइंडेडनेस वो हमारी सरकार ने भी दिखाई है क्योंकि हमारी सरकार भी गुस्से में है जली हुई है इससे शिखर अगला सवाल क्रिकेट से जुड़ा लूंगी के वी कार्तिक वेंकटेशन हमारे मेंबर हैं पूछ रहे हैं कि जब भारत टी ट्वेंटी विश्व कप में इंग्लैंड से हारा तो शेखर जी ने बताया था कि टॉप ऑर्डर के भारतीय बल्लेबाजों द्वारा अग्रेसिव अप्रोच ही कमी खेल के प्रति अप्रोच में मेन डिफरेंस थी डेथ ओवर्स में भारत लगातार पूरे पूरा जोश दिखा रहा था लेकिन ऐसा लग रहा है कि ओ वर्ल्ड कप से पहले अब ये पूरी तरह बदल गया है रोहित शर्मा पहली ही गेंद से काफ़ी आक्रमक हो रहे हैं और गिल दूसरा छोर संभाल रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं मिडिल ऑर्डर भी मजबूत दिख रहा है और गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है वो बोल रहे हैं आपके अनुसार भारत के जीतने की संभावना क्या है और भारतीय टीम कहाँ सुधार कर सकती है क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि फाइनल कौन खेलेगा देखिए ये दस टीमें खेल रही हैं इन दस टीम में से आठ में से कोई भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती है आठ जी। तो ये अच्छी अच्छी फील्ड है स्ट्रॉन्ग फील्ड है उन आठ में से चार सेमीफाइनल में पहुंचेंगी तो मैं कहूंगा कि इस समय करीब छह टीमें हैं जिनमें से कोई भी ये वर्ल्ड कप जीत सकता है लेकिन क्योंकि आप घर में खेल रहे हैं उसकी एक एडवांटेज होती है उसकी कुछ प्रेशर भी होता है डिसएडवांटेज भी होती है लेकिन पिचेज आपके अपने हैं दूसरी बात बात यह है कि पिचेज आपके हाई स्कोरिंग होंगे होंगे या आपके स्पिन को भी मदद मदद मिलेगी और दूसरे के पास स्पिन है तो आपको स्पिन खेलनी बेहतर आती है एक और चीज़ जो भारत के लिए बहुत अच्छी वो ये है कि बुमराह की वापसी हो गई है और बुमरा की फिटनेस रहे वर्ल्ड कप में डेढ़ महीने का मामला है डेढ़ महीने महीने तक फिट रहना है तो बहुत बड़ी बात होगी बाकी भी अच्छे बॉलरस हैं लेकिन बुमराह का होना बहुत ज़रूरी है और एक और की बात जो भारत के लिए जो भारत की हमेशा जिसको हम अंग्रेजी में कनंड्रम कहते हैं समस्या कि नंबर फोर कौन खेलेगा बैटिंग में तो वो श्रेय सैयर अब श्रेय सैयर अच्छा खेलते रहे जैसे कि उन्होंने एक दो मैच में खेला है और साथ साथ जो श्रेय सैयर की एक कमज़ोरी है जो राइजिंग बॉल के ऊपर बाउंसर के ऊपर क्योंकि वो इतना डरने की बात भी नहीं वो एक इंस्टिंगटिवली उस पर खेलते हैं और आउट हो जाते हैं अब वो काफ़ी उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है उसके ऊपर ट्यूशन भी लगी हुई है मेरा ख्याल तो अगर उसको कि जब वो खेलने आएंगे तो दूसरी साइड एकदम उनको बाउंसर से शॉर्ट बॉल से मुकाबला करे उनका सामना कराएगी तो अगर वो उसको संभाल लें तो मैं कहूँगा उस लेटर हाफ में चाहे वो पांड्या हों कभी सूर्य कुमार यादव खेल रहे हों कभी वाशिंगटन सुंदर खेल रहे हों रविंद्र जडेजा हैं ये तो भारत के पास अच्छी फायर पावर है इस समय अगर टॉप चार अच्छी बैटिंग कर जाए तो अगला सवाल शेखर आशीष पटेल का हमारे है, मेंबर हैं बोल रहे है, चल रहे एशियन गेम्स में हमने कुछ ऐसी घटनाएं देखी हैं जहां ऑफिशिएटिंग संदिग्ध दिख रही है और भारतीय एथलीटों को नुकसान उठाना पड़ा है बोल रहे हैं मैं किसी भी कंस्पिरेसी थ्योरीज को बढ़ावा नहीं देना चाहता लेकिन क्या ये भारत के खिलाफ चीन की मैलिस या एजेंडा को दर्शाता है देखिए ये बहुत बड़ी बात है इतना दूर तक जाना जो देश आपसे बॉर्डर पे लड़ रहा है और जिसने अस्सी हजार अपनी सत्तर हज़ार सेना खड़ी की हुई है वो इतनी टुची बात करेगा इतना टाइम होगा अभी उसके लिए ज्यादा हमें एविडेंस चाहिए जो एविडेंस दिए लेकिन दो इंसिडेंट हुए हैं यहाँ पे जो चीनी जजेस के हाथ में थे या चीनी ऑफिशियल्स के हाथ में थे जहाँ कम से कम इनकॉम्पिटेंस लेवल बहुत ज़्यादा रहा जैसे कि नीरज चोपड़ा का पहला थ्रो था वो तो पहला थ्रो बहुत बड़ा थ्रो था उनको गोल्ड मेडल मिला 88.86 एट उन्होंने थ्रो किया करीब नवासी मीटर का वो भी बहुत अच्छा थ्रो था लेकिन पहले वाला शायद उससे भी आधा मीटर आगे था नब्बे के आसपास था जब वो गिरा नीचे तो मैंने देखा बिल्कुल नब्बे के पास पहुँचने वाला था उस थ्रो को रजिस्टर ही नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा सिस्टम क्योंकि थ्रो को जाकर नापता तो है नहीं कि कहाँ पर लगा वो इलेक्ट्रॉनिकली एक सिस्टम होता है जो आपको नापती है कि फेयर थ्रो था कि नहीं और कितना डिस्टेंस था तो उन्होंने कहा हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा था तो काफी देर बहस होती रही मतलब ओलंपिक एक ओलंपिक इवेंट है एशियन गेम्स इज एन ओलंपिक इवेंट पहले एक जमाने में एशियन ओलंपिक बोलते थे इसको ये ओलंपिक इवेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के अंडर होता है तो उसके अंदर ऐसे में मैकेनिकल फेलियर हो जाए अब आप तो मान लीजिए कि वो थ्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड के मामले के बराबर होता और ये तो है नहीं कि दूसरा आदमी जब मर्जी एक मशीन तो है नहीं कि वही थ्रो कर दे अगर मान लीजिए वर्ल्ड रिकॉर्ड के मामले में होता बराबर होता जब उसके बाद कोई दूसरा थ्रो करता जो उससे छः इंच नीचे होता फिर तो अनफेयर हो जाता अब इतनी बड़ी बात इसलिए नहीं लग रही कि नीरज चोपड़ा ने फिर बड़ा थ्रो किया वो जीत गया और हमारे हमारे आदमी ने नंबर टू भी कर दिया और फिर जजिस का ये कहना कि भैया इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते ये थ्रो तो हम मानेंगे नहीं हम, हम नाप ही नहीं सके इसकी बजाय तू तो एक और थ्रो ले ले तो ये कुछ गली जैसे खेलते ना मोहल्ले में उस टाइप का हो गया तो ये चाइना के लिए कोई बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजिंग के लिए चाइना के लिए कोई बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट नहीं है दूसरा जो हुआ वो ज्योति याराजी ज्योति यारा जी जो हर्डल्स दौड़ रही थी अब वो हर्डल्स दौड़ रही थी उनके साथ में दो लड़कियां चाइनीज थी उसमें जो फेवरेट थी दो लड़कियां चाइनीज थी और ज्योति यारा जी वो पहले अच्छा परफॉर्मेंस कर, कर चुकी हैं वो दोनों के लिए चैलेंजर थी तो जब सबको दौड़ना तब होता है जब गोली चलती है जब आवाज आती है बुलेट की तो जिसको कहते हैं जंप द गन इंग्लिश में बोलते हैं तो वही होता है कि अब समय से पहले शुरू हो जाए तो उसको कहते हैं जंप द गन तो उसमें एक चाइनीज रनर जो थी शी वो पहले गोली चलने से पहले दौड़ पड़ी जैसे वो दौड़ पड़ी उसकी देखा देखी लेकिन उसके बाद अगर, अगर वो वीडियो देखेंगे तो ज्योति या जी भी दौड़ पड़ी कि दौड़ी तो मैं भी दौड़ती हूं हु। तो लगता है जो चाइनीज में बात हो रही थी कि सबसे पहले तो उसको डिस्कालीफाई किया गया जो कि चाइनीज लड़की थी क्योंकि उठ के खड़ी होकर भागनी शुरू हो गई थी कोई ओपन एंड शर्ट के उसने लगता है जाके जजेस को बोला कि मैं तो इसलिए भागी क्योंकि मेरे साथ ही ज्योति थी ये भागना इसने कुछ मूवमेंट करी थी तो उसकी मूवमेंट से मैं कंफ्यूज हो गई अच्छा तो उन्होंने उसको भी डिस्कालिफिकेशन का कार्ड दे दिया उसने जाके फिर आर्ग्यूमेंट किया झगड़ा किया फिर हमारे अथॉरिटीज ने हमारे ऑफिशियल्स ने भी झगड़ा किया तो फिर देखिए फिर उन्होंने वही किया जो नीरज चोपड़ा वाले में ठीक है काम करो कि अभी हम फैसला नहीं कर पा रहे आप में से किसने फाउल किया किसने नहीं किया या दोनों ने किया एक ने किया अभी तुम दोनों दौड़ लो दो। उसके बाद देखेंगे अब ये एथलेटिक्स में वो भी खासकर स्प्रिंट में और ये हर्डल्स वाली स्प्रिंट में ऐसे नहीं होता है क्योंकि आपको बॉडी गर्म करके रखनी पड़ती है वार्म कर आप मेंटली तैयार होते हैं क्योंकि अगर सौ मीटर एक मीटर टाइप आपकी हर्डल रेस है तो खट 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 आप भागते हैं वहाँ पे तेरह मीटर के बाद पहली हर्डल है उसके बाद मेरे ख्याल आठ या नौ मीटर के बाद हर हर्डल आती है फिर बाद में दस मीटर तो बहुत कैलकुलेशन करके सोच के दौड़ना होता है तो मेंटल आपका जो कंपोजर होता है तो वो सब डिस्टर्ब हो गया फिर आपको ये नहीं पता कि जीत गए तो मेडल मिलेगा कि नहीं तो फिर दौड़ लगी तो उसमें नंबर तीन आई ज्योति जब तक वो रेस हुई तब तक जजेस को भी अकल आ गई कि इसमें डिसक्वालीफाई करने के लिए सिर्फ एक ही था तो वो चाइनीज लड़की थी जो पहले भागी थी उसको डिसक्वालीफाई कर दिया अगर उसको डिसक्वालीफाई नहीं करते तो वो नंबर टू थी उसका सिल्वर आता और एक और चाइनीज लड़की था उसका गोल्ड आता तो जिसका जिसका गोल्ड था उसका तो गोल्ड आ गया सिल्वर वाले को डिसक्वालीफाई किया तो हमारी ज्योति अराजी का जिसका ब्रॉन्ज आया था उसका सिल्वर बन गया पर ये जो अरेंजमेंट था जो ऑर्गेनाइजिंग थी ये कोई एशियन गेम्स लेवल की या ओलंपिक स्पोर्ट लेवल की बिल्कुल नहीं थी शेखर अगला सवाल मणिपुर से जुड़ा हुआ है सुरेश मुद्दलूर हमारे मेंबर हैं पूछ रहे हैं कि मणिपुर स्थिति से उनका सवाल जुड़ा हुआ है बोल रहे हैं, विपक्ष सीएम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं ला सकता सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के कुछ विधायक भी मौजूदा सीएम के खिलाफ हैं विपक्ष को उम्मीद हो सकती है कि उसे बीजेपी के कुछ विधायकों का समर्थन मिल जाएगा और इसलिए वे सीएम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट पास करने में सफल हो जाएंगे देखिए ये बात कहना आसान है लेकिन होना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक तो यह है कि सत जितने एम पी एम एल ए हैं बीजेपी के उसमें से सत्ताईस तो मेथीज हैं तो लगता नहीं कि मेथी इधर उधर जाएंगे और ये साठ की असेंबली है चार ही और चाहिए वोट तो ये मामला इतना सिंपल नहीं है दूसरी बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव तो तभी आ सकता है जबकि असेंबली का सेशन हो अभी तो असेंबली का सेशन ही नहीं है कितने समय से एक किया था फटाफट करके बंद कर दिया ताकि फिर एक फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए औपचारिकता पूरी हो जाए तो जा। मणिपुर में देखिए अगर उसको किसी को काबू में लाना है तो ईमानदारी से काम करना पड़ेगा इस सरकार को डिसमिस करके राष्ट्रपति शासन छः महीने लगा के क्लीन अप करके जो लोग हथियार ले गए हैं जब तक वो हथियार वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक ये सिविल वॉर की स्थिति मां बनी रहेगी शेखर अगला सवाल सागर अग्रवाल का है हमारे सब्सक्राइबर हैं पूछ रहे हैं कि यूएस में अंतरिम बजट में यूक्रेन की सहायता या एड को मंजूरी नहीं दी गई और आ, स्लोवाकिया ने एक एंटी वॉर लीडर को चुना है यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर वेस्टर्न प्रक्रिया अब कैसे बदलने वाली है देखिए सच्ची बात यह है कि जो पश्चिमी देश सारे हैं जो है यूक्रेन के समर्थन में वो सब डेमोक्रेसी है हुँ. तो वहाँ सब कुछ कुछ बदलाव होते रहेंगे रूस को ऐसी कोई समस्या नहीं है क्योंकि वहां पे तो जब जाएगा डुमा में वोट लेगा सबके सब हाँ कर देंगे तो ये एक चुनौती रहेगी लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका से ये थोड़ी चूचू चू होएगी लेकिन उसके बाद ये बजट उसके लिए जो सपोर्ट है वो क्लियर हो जाएगी जी। और जहाँ तक स्लोवाकिया की बात है स्लोवाकिया ठीक है उसकी एक इम्पोर्टेंस है पर वो इतना बड़ा देश नहीं है यूरोप की स्कीम ऑफ थिंग्स में जी। और दूसरी बात है कि नेटो एक बहुत सशक्त यूनिट है और उसकी जो एकता है वो भी काफ़ी है अब नेटो के अंदर देखिए कई देश अलग अलग तरह से काम करते हैं पोलैंड का एक व्यू है ऐसे जर्मनी का एकदम और व्यू है तो फ्रांस का भी और व्यू है तो ये सब बातें चलती रहती हैं क्योंकि ये सारे के सारे लोकतंत्र हैं जो कि रूस नहीं है शेखर आखिरी सवाल लूंगी आपका हमारे दर्शक श्योर आपकी कहानियां होंगे तो अब विशाल कुमार यादव हमारे मेंबर हैं उनका सवाल है कि अगर आप एम एस स्वामीनाथन जी से मिले हो और उनसे जुड़ा कोई किस्सा अगर आप सुना पाए तो भारत को वो बोल रहे हैं भूखे देश से स्वाभिमानी देश बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है देखिए मैं स्वामीनाथन जी को मिला हूँ और बहुत बार मिला हूँ और दो बार दो बार एक बार नहीं दो बार उनके साथ मैंने वॉक द टॉक भी रिकॉर्ड किया है एक बार 2003 में और एक बार कुछ मेरे कल 10-12 साल के बाद जबकि उनकी उम्र भी थोड़ी बढ़ गई थी तो इतना चल नहीं पा रहे थे लेकिन अब देखिए कि उनका माइंड बिल्कुल एक्टिव और शार्प था और वो हमेशा और वो सबसे अच्छी बात उनकी थी कि बहुत ही पॉजिटिव इंसान थे उनको मैंने कभी नेगेटिव बोलते देखा नहीं किसी बारे में और कोई भी बात होती थी उनकी आंखें चमकती थी चेहरा भी चमकता था अरे जैसे मौका है देखो देख क्या करें कुछ इस तरह के इंसान थे कई लोग जो जिनसे पॉजिटिविटी निकलती है तो पॉजिटिविटी को रेडिएट करते थे तो वो कहूँगा अब जहाँ तक किस्सों की बात है किस्सा तो मैं आपको क्या बताऊँ सिर्फ यही बताऊँगा कि मैं कई बार जब चेन्नई गया तो मैंने फ़ोन किया उनको जाके मिला उन्होंने मुझे समय दिया वो फाउंडेशन एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चलाते थे और बाय द वे आपने उनकी एक लड़की को तो जरूर देखा होगा एक बेटी को जरूर देखा होगा वो सौम्या स्वामीनाथन जो कि डब्ल्यू में चीफ साइंटिस्ट थी जी। और कोविड के समय चीफ साइंटिस्ट थी उनकी दूसरी बेटी भी एकेडमिक है और बड़े ऊंचे दर्जे की एकेडमिक है तो सौम्या स्वामीनाथन तो हम सब ने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा है आपने भी उनको हमारे ऑफ द कफ में देखा है जो कि हमने रिकॉर्ड किया था जब वो जिनेवा में थी तो वो एक बहुत अच्छी लेगेसी छोड़ गए और मैं कहूंगा कि जब भी मैं उनके पास जाता था तो हर बार हर मीटिंग एक तरह से ट्यूटोरियल होती थी अच्छा चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद